हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे वायरल हिट एनिमे के बारे में। अभी अभी इसका पहला एपिसोड रिलीज हुआ है और एनिमे मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर एक यूट्यूबर जिसके 7 लाख सब्सक्राइबर हुए होते हैं अभी अभी, वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। लाइव स्ट्रीम में वो हमें दिखाता है एक लड़की को, उसके मतलब उसी के क्लास के एक स्टूडेंट को, और लाइव स्ट्रीम में बताता है कि ये एक स्किन केयर रूटीन में सब मेकअप वगैरह करती है, तो इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। और फिर वो यूट्यूबर उस लड़की को पूछता है, तुम्हारे पास कोई मॉडल वगैरह है क्या जिसका तुमने मेकअप किया है? तो वो लड़की बोलती है, हाँ ठीक है, ये देखो ये है मॉडल। मॉडल हमारा मेन कैरेक्टर होता है कॉबिन। उसको एकदम भयंकर तरीके से, बुरी तरीके से लड़कियों का मेकअप लगा के बिठा दिया जाता है। उसके बाद लाइव स्ट्रीम बंद होती है और मेन कैरेक्टर मार खाता है क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम में हंस नहीं रहा था। तो ये हो जाता है पहला सीन। उसके बाद मेन कैरेक्टर सोचता है, ये साले हरामी कितने आराम से पैसा कमाते हैं, और एक मैं हूँ जिसे हर चीज के लिए पैसा पैसा पैसा, हमेशा भी पैसा पैसा सोचता रहता हूँ। और फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर अपनी माँ को हॉस्पिटल में जाता है मिलने के लिए। उसकी माँ बीमार होती है, उसके हर दिन का खर्चा भी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पार्ट टाइम जॉब करता है अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल्स देने के लिए। तो उस रेस्टोरेंट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की होती है जिसे अपना मेन कैरेक्टर लाइक करता है, और उसी जगह वहां पर वो जो 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए होते हैं वो यूट्यूबर आ जाता है उस लड़की से मिलने। उस लड़की को वो चैलेंज देता है, उसके सामने एक फोटो रखता है, फोटो में बर्गर होता है, उसे बोलता है ये वाला बर्गर दो कितना, 10 सेकंड या कुछ 1 मिनट में बनाओ, 30 सेकंड में कुछ टाइम देता है, और बोलता है अगर तुम नहीं बना पाई तो तुम मुझे मेरा नंबर दोगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो बर्गर बना देता है उसे और बोलता है तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे कस्टमर्स को परेशान कर रहे हो। तो फिर वो हमारा लाइव स्ट्रीम करने वाला यूट्यूबर चला देता है, और जो लड़की होती है वो सुंदर लड़की उसे पसंद करने लगती है। उसके बाद दूसरे दिन जो हमारा 7 लाख सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर दिखाया है, उसका मैनेजर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पे लाइव स्ट्रीम वगैरह करूंगा क्योंकि मेरा अकाउंट चल नहीं रहा है वगैरह वगैरह। और हमारे कॉबिन को मैगी बनाने, रामेन बनाने के लिए बोलता है कि कुछ मेरे लिए बनाओ, तब तक मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। लाइव स्ट्रीम पे वो उसे चैट आती है, 3,000 की पहले चैट आती है, फिर उसे वो बोलता है थैंक यू सो मच फॉर 300 रुपीज सुपर चैट। उसके बाद दूसरी चैट आती है कि बोलते हैं कि अगर तुम 30 किल करोगे तो तुम्हें 30,000 रुपये दिए जाएंगे। ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर रामेन बनाते बनाते सुनता है रहता है, और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो उसके घर में उसके मम्मी के अकाउंट से, क्योंकि वो जो मैनेजर है वो अंडर एज है इसलिए वो उसका खुद का अकाउंट नहीं चला सकता, अपने मेन कैरेक्टर के मम्मी के अकाउंट से वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है। तो अपना मेन कैरेक्टर उसका रामेन तैयार करता है, उसके पास जाता है, पास जाते जाते उसके पैरों में केबल फंस जाता है और वो पूरी की पूरी रामेन उसके मुंह पे फेंक देता है, मतलब उसके मुंह पे लग जाती है। तो दोनों में वहां पे बहुत ज्यादा खतरनाक मारामारी होती है क्योंकि उसकी वो प्लग निकल जाता है कंप्यूटर का और उसका गेम बंद हो जाता है, और उसके 30,000 रुपये चले जाते हैं जो कि उसे मिलने वाले थे। तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वहां पे बहुत खतरनाक वाली मारामारी होती है। वो हमारा मेन कैरेक्टर मैगी से मैगी उठा उठा के उसको मारता है, मतलब क्या चल रहा होता है, बहुत ही बोरिंग फाइट होती है। लेकिन रात होती है, उसके बाद मार खाने के बाद वो मैनेजर चला जाता है, मेन कैरेक्टर सो जाता है। सुबह ही सुबह उसको फोन आता है दूसरे दिन, वो क्या बोलते हैं उस मैनेजर का, बोलते हैं हम जल्दी से वो कल रात की लाइव स्ट्रीम YouTube से डिलीट कर दे। तो मेन कैरेक्टर को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तो वहां पे हुआ क्या होता है, वो जो फाइट कर रहे होते हैं वो पूरी की पूरी फाइट YouTube पे अपलोड हो गई होती है, इसलिए मैनेजर थोड़ा घबराया घबराया उसके घर ढूंढने आता है, लेकिन उसको घर ही नहीं मिलता। वो सारी की सारी पूरी फाइट उस पे YouTube पे 110 मिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं। तो मेन कैरेक्टर जब वो अकाउंट देखता है, व्यूज देखता है, कमेंट्स देखता है, तो उसे लगता है अरे वाह काफी सारे व्यूज आ गए, अब तो बहुत सारा पैसा आएगा। मुझे लगता है वो काउंट करता है और 10 मिलियन या कुछ अराउंड उतने ज्यादा पैसे उसको आने वाले होते हैं, इसलिए वो फाइट डिलीट नहीं करता। उसके बाद वो मेन कैरेक्टर से मिलता है, उनके बीच में सुलह होती है कि वो बोलता है कि प्लीज मेरा डिलीट कर दे वीडियो,
लेकिन मेन कैरेक्टर नहीं मानता, तो फिर मैनेजर बोलता है कि मुझे उसमें से कुछ पैसे दे दे। मेन कैरेक्टर बोलता है पैसे भी नहीं मिलेगा, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, और उसके उसके अंडे फोड़ देता है। और फिर दूसरे दिन मैनेजर स्कूल में जाता है, तो स्कूल में उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बेइज्जती होती है, क्योंकि उसने मार खाया है ना उस वीडियो में, और वो वीडियो पूरा ग्लोबली पॉपुलर हो गया है, तो उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है। तो फिर वो अपने मैनेजर, मतलब वो जो मैनेजर, तो 7 लाख सब्सक्राइबर वाले का मैनेजर होता है ना, तो वो 7 लाख सब्सक्राइबर वाले को बोलता है मेरी थोड़ी मदद करो, लेकिन वो जो यूट्यूबर होता है वो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। तो फिर वो मैनेजर क्या करता है, अपने मेन कैरेक्टर के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम, मैं तुम्हारे लिए आज से काम करूंगा, मैं तुम्हारा मैनेजर हो जाऊंगा, सब कुछ मैं तुम्हारे यूट्यूब का देखूंगा, तुम बस चैनल का फेस रहना, मैं जितने पैसे आएंगे उसमें से 90 मेरे और 10 तेरे, ऐसा करेंगे। तो मेन कैरेक्टर बोलता है मैं गरीब हूँ चूतिया नहीं। तो फिर वो मैनेजर बोलता है ठीक है 80-20 करते हैं, तो मेन कैरेक्टर नहीं सुनता, फिर वो 70-30 पे आता है, और लास्ट में 90-10 पे आता है, मेन कैरेक्टर को 90% मिलेगा और मैनेजर को 10% मिलेगा। और इसी तरह से एनिमे पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। एनिमे बहुत ही ज्यादा फनी है, मतलब इंटरटेनिंग है बहुत ही ज्यादा, तुम जरूर चेकआउट करना। और बस इतना ही है, बाकी कुछ तो नहीं था इस एपिसोड में, जो था बता दिया। अब अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जरूर चेकआउट करना, गोको एनिमे पे मिल जाएगा सब कुछ, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा उसके बारे में, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो। तो बस आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।